आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेट स्केल में स्वागत है। गीता ज्ञान के पहले अध्याय में जो प्रेरणा मिलती है वो हमारे जीवन में गहराई और महत्व रखती है। इस अध्याय में अर्जुन के मन में उत्पन्न ह्यू संवेदनाओं को समझा गया है, जिसमें हमें अपने कर्तव्य का समर्थन करना और जीवन के मूल को समझना सिखाया गया है। गीता के इस प्रथम अध्याय में हम अपने जीवन के उपदेशों को समझते हैं और हमें प्रेरणा से चलने की प्रेरणा मिलती है। ये अध्याय हम साहस, संकल्प और आध्यात्मिक विकास की दिशा में अग्रसित करता है। गीता के इस प्रेरणादायक अध्याय से हमें जीवन के हर मोड़ पर हिम्मत और साहस बनाए रखने की शिक्षा मिलती है। अर्जुन के व्यक्तित्व में संकुचन, संवेदनाओं का उद्गम और असफलता के भय का दर्शन। हम अपने जीवन में आने वाले संकट और बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य और धर्म के महत्व का समझा है, जिसे हमने भी अपने जीवन में समझदारी और कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा दी है। गीता के इस अध्याय में हमें जीवन के व्यापक लक्ष्य का बोध होता है और हमें समर्पित होने की महत्ता का बोध होता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का उपदेश केवल भय से मुक्त होना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसे हम अपने जीवन में उचित दिशा और उद्देश्य की तलाश करने की प्रेरणा देते हैं। गीता के इस अध्याय में हमें जीवन के मूल और सांसारिक वास्तविकता को समझने की प्रेरणा मिलती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का उपदेश आत्मिक विकास और पारमार्थिक सुख है, जो केवल भाग्य और सांसारिक उपलब्धियों में नहीं मिलता। इस अध्याय से हमें यह समझ आती है कि जीवन का असली महत्व आत्मिक विकास में है, जो हमें आनंद और शांति प्रदान करता है। गीता के इस अध्याय में हमें जीवन के मूल और कर्तव्य का ज्ञान है और उन पर दृढ़ता से शिक्षा मिलती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिसे हम सच्चा सुख और शांति प्राप्त हो। इस अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि जीवन का मूल्य कर्तव्य और धर्म का पालन करने में है। गीता के इस अध्याय में हमें जीवन के विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में संकट और बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें समर्पण और समाधान से उनका सामना करना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह समझ मिलती है कि जीवन में उत्तरदायित्व और समझदारी से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। गीता के इस अध्याय में हमें आत्मिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति की महत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का उपदेश आत्मिक विकास और पारमार्थिक सुख है, जो केवल सांसारिक उपलब्धियों में नहीं मिलता। इस अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि जीवन का असली महत्व आत्मिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति में है। गीता के इस अध्याय में हमें जीवन के मूल और सही दिशा का चयन करने की महत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हम सच्चे कर्तव्य निभाते हैं और धर्म का पालन करने से ही जीवन का उपदेश प्राप्त होता है। इस अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सही दिशा और उपदेश का चयन करने से ही हम आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता के इस अध्याय में हमारे सहज, समर्पण और आत्मिक विकास का महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में सफलता और आनंद का रहस्य हमारे आत्मिक विकास में है। इस अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें साहस और समर्पण के साथ आत्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। गीता के इस अध्याय में हमें जीवन के मूल और सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का उपदेश सच्चा और धर्म का पालन करके ही प्राप्त होता है। इस अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करने से ही हम आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार गीता के प्रथम अध्याय से हम जीवन के मूल और उपदेश का ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें सही दिशा और उपदेश में अग्रसित करता है। यह अध्याय हम साहस, समर्पण और आत्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान